स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th बच्चों, एग्जाम्स लगभग हो गए हैं साइंस वालों के, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के अभी भी बचे हुए हैं थोड़े बहुत, तो बच्चों के अंदर काफी सारा डर है सीइंग द पासिंग परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो आप देखोगे क्लास 12th का ना, तो 2019 में जो जितना था उससे काफी बढ़ गया 20 में 21 में, तो चलो ये कोविड का एरा था तो यहाँ पर तो 100% रिजल्ट स्टिल नहीं है बट है। 22 में दो टर्म्स हो गए उसके बावजूद रिजल्ट उतना अफेक्टेड नहीं रहा, लेकिन लास्ट ईयर इसमें बहुत बड़ा डिप आ गया जिसकी वजह से बच्चों के अंदर काफी डर बना हुआ है। अगर क्लास 10th की देखें तो देखो 2019 और 20 का ऑलमोस्ट सेम है, ये कोविड का ईयर है यहाँ पे तो 99% है, स्टिल 100% नहीं है। 22 में टू टर्म्स के बावजूद रिजल्ट अच्छा हुआ और 23 में मार्जिनली डिप हुआ, 10th में बहुत ज्यादा डिप नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो पासिंग परसेंटेज जो है ना, मतलब ईयर ऑन ईयर जो है वो अच्छा रहा, लेकिन इस लास्ट ईयर काफी ज्यादा डिप हो गया। कारण आप जानते हो कि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए थे। स्टूडेंट्स के लिए, हर बच्चे के लिए इजी नहीं होता कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना या डे टू डे एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा, फॉर दैट यू नीड टू हैव एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, सिलेबस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस बार सीबीएसई ने अपने रिजल्ट या अपने रेपुटेशन के लिए काफी कुछ किया है। सीबीएसई की रेपुटेशन खराब हो गई थी, बच्चे अब सीबीएसई से ज्यादा स्टेट बोर्ड को मानने लगे हैं या सीआईएससी बोर्ड को प्रेफर करने लगे हैं, ठीक है। तो सीबीएसई अपने इस गिरते रेपुटेशन के लिए काफी कुछ कर रहा है। बेटा कॉपी चेकिंग इस बार काफी लीनियंटली की जा रही है, वेरी लीनियंटली, जहां कहीं भी स्कोप है आपको नंबर दिए जा रहे हैं। और ग्रेस मार्क्स के बारे में बच्चे कई बार पूछते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल दिखा दूं। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी जो होती है, 10% के अराउंड आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक सब्जेक्ट में 10% तक दे सकते हैं तो दे देंगे, या अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो 5-5% ईच करके पास कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ग्रेस मार्क्स। इसके अलावा जो आप क्लास 12th फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, जो बच्चे बता रहे कि क्वेश्चन डिफिकल्ट था, या इवन क्लास 10th में साइंस है, सोशल साइंस है, आप सबको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे बोनस मार्क्स? मॉडरेशन के थ्रू दिए जाएंगे, क्योंकि कई बच्चों का ये कहना है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था, यानी कि हर सेट सेम नहीं था। कई क्वेश्चन पेपर में क्या थे, सिलेबस जो था डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैरिटी नहीं है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अप है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने पास्ट ईयर्स में लगाए हैं। आप देख सकते हो मॉडरेशन पॉलिसी लगी है, 9-9, 10-10 नंबर बढ़ाए जाते हैं, 16-16 नंबर बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। खाली पेपर पे अगेन नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जब आप लिखोगे तो बढ़ाए जाते हैं। उसके लिए चाहिए प्री रिक्विजिट है कि आप कुछ लिखो। तो आपको ये मैंने दिखा दिया कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं 10% तक, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अटेम्प्ट लेने की, बेटा आप अगर अटेम्प्ट लेते हो, अटेम्प्ट हैज टू बी रेलेवेंट। अगर रेलेवेंट अटेम्प्ट लिया है, थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट है, तो नंबर देते हैं टीचर। मैथ्स वैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर आपने स्टेप्स लिख दिए हैं बेटा, यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। तो आपके लिए हर चीज बनी हुई है। अभी भी जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है वो चल रहा है, बेस्ट ऑफ 5 रूल पासिंग के लिए डेफिनेटली चल रहा है। 6 सब्जेक्ट जिन्होंने लिए, 5वें पास है, तो आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास है। ये और बात है कि अगर आपने कोर्स वो ले लिया जो आप जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा और 1 महीने बाद उसका एग्जाम भी होता है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ी है या बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला है, तो डेफिनेटली रिजल्ट में बेटा वो बच्चे कंपार्टमेंट क्लियर, कंपार्टमेंट उनकी आएगी। 100% रिजल्ट तो कभी नहीं होता, तो 1 महीने बाद क्यों वेट करना। आप यू मस्ट बी नोइंग व्हाट यू हैव डन इन योर एग्जाम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि कंपार्टमेंट क्लियर करोगे तो आपका साल नहीं खराब होगा और कहीं किसी एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कॉमेंट्स, मैम मैंने पेंसिल से डायग्राम बना दिया है, डेफिनेटली यू विल गेट नंबर, ठीक है। पेंसिल पेन एज अ रूल गिवन है, पेंसिल से डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th बोर्ड में मैथ्स के पेपर में 24 मार्क्स बनते हैं, बेटा 26 तो पासिंग ही है, जो जिसके 24 बनेंगे उस बच्चे को तो 100% 26 मार्क्स मिलेगा। आई चेक दैट इन मैथ्स आई गॉट 22, ओके। केमिस्ट्री, ये देखो बेटा आप अपने हिसाब से अपना रिजल्ट बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप अगर 22 लिख रहे हो, सोच रहे हो, तो 30 तक तो टीचर आपको आपके स्टेप्स एंड अटेम्प्ट्स के हिसाब से देगा, क्योंकि हम जब मार्क्स ऐड करते हैं ना, तो अब थोड़ा कम कम करके ही जोड़ते हैं कि शायद यहाँ भी काट ले टीचर, शायद यहाँ भी काट ले टीचर, ठीक है। तो उतना तो 30-30 के आसपास तो वो आपको डेफिनेटली दे देंगे।
और इन सब सब्जेक्ट्स में देखो 23 में ही पासिंग है, तो आपको इतना डरने की नीड नहीं है। ठीक है, आप 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप पास हो जाओगे, और इतना आपने करेक्ट लिखा है। तो थैंक यू सो मच बेटा। केमिस्ट्री में 16 आ रही है आपकी, थ्योरी में 23 इज अ पासिंग मार्क्स। टीचर आपको खींच के 23 तक तो डेफिनेटली ले जाएंगे, एंड देर आर चांसेस कि मॉडरेशन भी लगे। मैथ्स में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, गुड, क्योंकि मैथ्स में तो बेटा स्टेप मार्किंग होती है। मेरे 23 मार्क्स बन रहे हैं, 26 पासिंग है बेटा, अगर 23 बन रहा है तो डोंट स्ट्रेस आउट, नोबडी शुड स्ट्रेस आउट। इवन इफ यू हैव नॉट रिटन इन योर एग्जाम, डू नॉट स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस से तो कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। इलेक्शन है, सबको पास कर दिया जाए। सबको तो नहीं पास किया जाएगा बेटा, ये नहीं हो सकता सबको पास कर। हाँ, जिन लोगों ने थोड़े बहुत भी एफर्ट डाले हैं, सीबीएसई इज ट्राइंग हार्ड कि उनको पास कर दो, और इसीलिए आपकी सीबीएसई के हेड को चेंज भी किया गया है। ठीक है, इलेक्शन है डेफिनेटली, रिजल्ट को थोड़ा अच्छा बनाया जाएगा, ये तो है, आप खुद देखोगे। आई स्कोर 19 मार्क्स इन फिजिक्स, बेटा फिजिक्स में तो मॉडरेशन भी लगेगी, ये तो पक्की बात है। एंड बायो, यस यू विल पास, 19 आपके आ रहे हैं, तो बेटा 23 इज द ओनली पासिंग मार्क्स ना, तो इतना तो टीचर आपको उठा ही देगा। मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, बेटा इसमें तो पक्की है कि लगेगी, इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स में लगेंगे, जहां जहां डिफिकल्टी हुई है ना वहां पर जरूर लगेगा। फिजिक्स के लिए तो आप 100% डेफिनेटली श्योर रहो, तो बेटा आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, वरी सब मत हो, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और जिनका एग्जाम खराब भी चला गया, पेपर खाली भी गई है, स्टार्ट स्टडिंग ना, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू कैन डू। रोने से, टेंशन लेने से, स्ट्रेस आउट होने से कुछ नहीं होता। या किसी का फियर, जैसे फ्रेंड्स का प्रेशर होता है कि मेरे दोस्त के अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरे बुरे आ जाएंगे, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसी कोई इंसल्ट नहीं होती। ठीक है, आपका रिजल्ट इतना मायने ही नहीं रखता, 5-6 साल बाद इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज जस्ट कि अगले क्लास के एडमिशन के लिए इतना बड़ा हैवॉक बना हुआ है, जस्ट बिकॉज इसको बोर्ड का नाम दिया गया है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है रियल लाइफ में, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना उसका आपको कहीं पे एप्लीकेशन नहीं करना। अब जो आप कर सकते हो, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो ना, उस फील्ड पे अपने आप पे रिसर्च करो, टाइम दो, और क्या कर सकते हो आप वो देखो। जरूरी नहीं है कि मैथ साइंस लेकर हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, वो बहुत पुराना जमाना था जब इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जो था वो स्ट्रीम समझ में आते थे। ठीक है, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए और उस ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हैं। सो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।